Well, in a bizarre incident, four schools in Delhi have received bomb threats this morning. Information was received regarding a bomb in Delhi Public School Dwarka. Later, an email was received at Mother Mary School, East Delhi, Mayur Vihar regarding a bomb threat, and Sanskriti School also got a similar threat. Now, we are getting to know that DPS Noida has also received a bomb threat. Well, the bomb disposal squad and fire tenders have arrived on the spot and a thorough check is being done in all four schools. Well, Ayush, my colleague, is joining us live at this point in time. Ayush, the last time such a threat was made, it happened with DPS Arkipuram. It turned out to be a hoax. What do we know so far? जी बिल्कुल, आज दिल्ली में एकाएक कई स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए। सबसे पहला जो ईमेल आया था वो था द्वारका स्थित डीपीएस स्कूल में, जहां पर सबसे पहले एक ईमेल के जरिए बॉम्ब थ्रेट दिया गया था। हालांकि ये सुबह 6 बजे करीब का वक्त था, तो उस वक्त बच्चे स्कूल आना शुरू नहीं थे, तो समय पे पुलिस वहां पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड को लगा दिया गया और लगा दिया, जिसके बाद एकाएक बॉम्ब थ्रेट मिलने शुरू हो गए। दूसरा बॉम्ब थ्रेट संस्कृति स्कूल पर मिला, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है। एम्बेसी एरिया है ये पूरा, यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड यहां पर आई हुई है और यहां पर अब पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है। इवैक्यूएशन, पूरे स्कूल की इवैक्यूएशन ड्रिल शुरू हो चुकी है, बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है, पूरे स्कूल में सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है संस्कृति स्कूल के बाहर। इसके अलावा एमिटी स्कूल में ईमेल आया है, लगातार ये ईमेल का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और डीपीएस थ्रेट हुआ है एकाएक कई स्कूल, 5 से ज्यादा स्कूल हो चुके हैं, जहां पर आज सुबह दिल्ली में बॉम्ब थ्रेट की वजह से हड़कंप मच चुका है। बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, स्टाफ को बाहर निकाला जा रहा है, सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को फटाफट यहां से ट्रैफिक की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। बॉम्ब थ्रेट मिलने के बाद से ही यहां पर हड़कंप मच चुका है पूरे इलाके में और जितने भी स्टाफ थे, पेरेंट्स आ चुके हैं यहां पर और पेरेंट्स अपने बच्चों को घर लेकर जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर संस्कृति स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान अपने बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड के साथ अंदर गए हुए हैं और पूरे स्कूल को अब छानबीन स्कूल की जा रही है। अंदर से पूरा खंगाल के देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु पर संदेह हो, उसकी तुरंत तलाशी ली जा रही है। जी आयुष, ये भी बताइए कि अभी तक स्कूल से किस तरीके की इस वाक्य के बारे में पुष्टि हो पाई है, क्या किया जा रहा है, जो पेरेंट्स होंगे, जो माँ बाप होंगे बच्चों के, उनको भी ये खबर सुन के कॉन्टैक्ट किया गया होगा, जैसा आपने कहा कि हड़कंप मच गया है। किस तरीके से स्कूल्स इस थ्रेट को हैंडल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए डीपीएस द्वारका में क्योंकि ईमेल सुबह के वक्त आया था, तो पहले ही पेरेंट्स को ईमेल, फोन कॉल्स और एसएमएस स्कूल के द्वारा भेजे गए थे, जिसमें ये चीज़ बताई जा रही थी किसी कारणवश आज स्कूल में बच्चों को ना भेजे, आज स्कूल बंद रहेगा, कोई कारण नहीं बताया गया था, लिखा था कि किसी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से आज स्कूल को बंद किया गया है। और अब उसके बाद एकाएक जब ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए थे, दूसरा जो बॉम्ब थ्रेट मिला था बीआर के मदर मैरी स्कूल में मिला था, अब संस्कृति स्कूल में बॉम्ब थ्रेट मिला है, वसंत में या दूसरा डीपीएस जो है वसंत कुंज वाला, वहां पर बॉम्ब थ्रेट मिला, एमिटी स्कूल साउथ दिल्ली में वहां पर बॉम्ब थ्रेट मिल गया है। तो ये लगातार एक एक स्कूल जो जब बॉम्ब थ्रेट मिलने शुरू हुए, जिस स्कूल से बच्चे नहीं आए, पेरेंट्स को सूचना दे दी गई थी जहां पर बच्चे आ चुके थे और उसके बाद जब बॉम्ब थ्रेट मिले तो पेरेंट्स जाहिर सी बात है खबरें देख रहे थे, न्यूज चैनल देख रहे थे, उसके बाद पेरेंट्स यहां पर आए, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, स्टाफ यहां पर आ चुका है, पेरेंट्स को कॉल किया जा रहा है, एसएमएस और मेल किया जा रहा है कि बच्चों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, जल्द से जल्द बच्चों को स्कूल से घर की ओर पेरेंट्स लेकर चले जाए। जी For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.